नमस्ते दोस्तों, हम लोगों ने सेट्स के चैप्टर में अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया है और हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में वेन डायग्राम्स का एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम्स यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले बस एक थोड़ा सा लास्ट चीज़ और हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एन ऑफ ए यूनियन बी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर तीन सेट्स से है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये सारे हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करके ही करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट है, मतलब क्या कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा कि ये आपका मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सीधा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि जो सेट ए है उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए बी डी। तो हम लोग सेट ए में लिख लिख देते हैं तीनों को, ए बी डी, है ना। और सेट बी में तीन एलिमेंट्स है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है। अब हम लोगों ने ये नोटेशन पहले देखा था कि हम लोग एन ए लिखते हैं ना, तो कोई भी सेट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर सेट ए है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। तो एन ए यहाँ पर क्या है, 3। सिमिलरली एन बी क्या है, 1 2 3, है ना, एन बी भी 3 है। अब हमें इसमें क्या पता लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पर, कि इधर एलिमेंट्स इन इधर ए और बी और इन बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम वाला तो कोई भी नहीं है, तो इधर इन ए, है ना, तो ए बी डी और फिर और इन बी पी क्यू एस। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी डी पी क्यू एस, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, है ना। काफ़ी आसान है इस केस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6 आ गया। और ये 6 कैसे आया, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है आपका, है ना, नल सेट है, तो हमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी चाहिए तो सीधा होगा कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग केस कंसिडर करते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि दोनों सेट, ये जो सेट ए और सेट बी है ये डिसजॉइंट नहीं है, तो सीन कुछ इस टाइप का रहेगा कि आपका ए है, सेट बी है और कुछ इंटरसेक्शन है यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने देखा था कि ये जो पर्पल में पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, है ना, मतलब कि जो बस ए में है और बी में नहीं है। और ये जो ब्लू वाला होगा वो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों में है। और ये जो रेड वाला है वो बी माइनस ए, कि जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। अब अगर हमें मान लीजिए कि एन ए पता है ना, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है, एन बी हमें पता है, ठीक है, और फिर हमें एन ए इंटरसेक्शन बी भी पता है, ठीक है, कि दोनों में कितने हैं, तो हमें एन ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी कैसे बन रहा है, कि ये पर्पल वाला पार्ट प्लस ये ब्लू वाला पार्ट प्लस ये रेड वाला पार्ट, है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्पल रीजन, है ना, जो कि एन ए माइनस बी है, फिर प्लस ये जो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ये बी माइनस ए, है ना। तो यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं प्लस यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं प्लस यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं, ये तीनों मिला के हमारा ए यूनियन बी बन रहा है। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए, कि एन ए एन बी के फॉर्म में लिखने के लिए, तो एन ए क्या है आपका, एन ए आपका है कि ये जो पर्पल वाला पार्ट है, मतलब एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पर्पल और ब्लू को जोड़ के आपका एन ए मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको एन बी लिखना है तो एन बी क्या है, ये लाल वाला पार्ट जो है, मतलब एन ऑफ बी माइनस ए प्लस ये इंटरसेक्शन प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर बस एक था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया,
तो यहाँ पर हम लोग एक ऐड करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है और ये जो लिखा है दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या देख सकते हो कि ये जो पहला वाला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, है ना, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों को जोड़ के हमें क्या मिल जाएगा, एन ए, है ना। तो ये एन ए हो गया। फिर ये जो दूसरा पार्ट है हमारे पास कि एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों जो मिल के हमारे पास क्या मिल जाएगा, एन ऑफ बी, ये पूरा एन ऑफ बी, और लास्ट में क्या बच गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो एन ए, है ना, प्लस एन बी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो अगर आप एन ए ले रहे हो तो आप ये पूरा ले रहे हो, मतलब पर्पल प्लस ब्लू, है ना। अगर आप एन बी ले रहे हो तो फिर रेड प्लस ब्लू, तो अगर आप एन ए प्लस एन बी कर रहे हो तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये दो बार ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट में उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हमें ये ब्लू वाला पार्ट भी बस एक बार ऐड हो, ठीक है। तो इसको या तो लॉजिकली ऐसे समझिए या तो फिर ये फॉर्मूला के थ्रू। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चंस रहेगा तो सीधा वेन डायग्राम बनाइए और जो रिस्पेक्टिव पार्ट है उसको फिल करिए अच्छे से, तो सब कुछ बिना फॉर्मूला के आप सॉल्व कर सकते हो। तो सीधा एक एग्जांपल देखते हैं कि सेट ए है हमारे पास, उसमें चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। सेट बी है, उसमें चार एलिमेंट्स हैं सी डी पी क्यू। तो इसमें पहले हम लोग सीधा वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना, ये रेक्टेंगल में। फिर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दोनों का कॉमन पार्ट पहले लिखते हैं। तो दोनों में क्या है, सी डी, सी डी दोनों में, तो सी डी आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब ए में क्या बचा, ए बी, तो ए बी यहाँ पर आ गया। फिर बी में क्या बचा, पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर आ गया। तो अब आप हमें अगर एन ऑफ ए यूनियन बी चाहिए तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ये पूरा हो गया ए बी सी डी पी क्यू, है ना, ये ए यूनियन बी हो गया। तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो आप लोग सीधा लिख सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू सिक्स। और अगर फॉर्मूला से चेक करना है तो एन ए क्या था यहाँ पर कि एक दो तीन चार, है ना, तो एन ए क्या था, फोर प्लस एन बी एक दो तीन चार प्लस फोर। अब ये दो बार काउंट हो गया, एन ए में भी काउंट हो गया ये ब्लू वाला पार्ट, एन बी में भी काउंट हो गया, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो फोर प्लस फोर एट, माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको सीधा रटने का ज़रूरत नहीं है, इसको समझिए ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स में इसको अप्लाई करते जाओगे दिमाग में वो चीज़ अपने आप आपका फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इन समरी यही है कि आपके पास अगर दो सेट्स हैं ए बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, इसमें दो बार ऐड हो गया ब्लू, तो एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर दोनों डिसजॉइंट है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना, तो फिर बस रह जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब दूसरा और एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं जिसमें कि अगर दो नहीं, आपके पास तीन सेट है मान लो ए बी सी, तो इस केस में अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी का चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है कि ये जो पर्पल में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, वो ए से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। ये ब्लू में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डी है, तो अगर हमें एन ऑफ ए लिखना है यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ए कैसे बन रहा है, ये जो पर्पल में जितने एलिमेंट्स हैं वो, है ना, तो वो ए हो गया प्लस, फिर ये ऑरेंज वाला पार्ट है उसमें प्लस बी, फिर ब्लू पार्ट है, फिर ये ब्राउन पार्ट है, ए प्लस डी प्लस ई, ठीक है। तो ये ए मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये जो पर्पल वाला एरिया है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एन ए हो गया आपका, ये पूरा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। फिर सिमिलरली एन बी क्या होगा आपका, एन बी हो जाएगा आपका बी प्लस सी प्लस एफ प्लस डी, है ना, तो ये वाला जितना भी पार्ट है बी
प्लस सी प्लस एफ प्लस डी, ठीक है। फिर एन सी क्या हो जाएगा आपका, एन सी हो जाएगा जी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, है ना, जी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ। ये ध्यान रखिए, ये मैं यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ कि जी सी का एलिमेंट है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये ब्लू एरिया में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये पर्पल एरिया में। अब अगर आपको आइडियली ये चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे बन रहा है, ये जितने भी यहाँ पर कलर्स में रिप्रेजेंटेड है सारे, वो सारे के सम है ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना। तो आइडियली आपको लास्ट में ये चाहिए कि क्या कॉम्बिनेशन से आपको ये चीज़ मिलेगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप एन ए ले रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, अब फिर आप उसको एन बी के साथ जोड़ रहे हो, है ना, तो ये दोनों चीज़ को अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस बी 2b हो जाएगा, है ना, और फिर ये d प्लस डी 2d हो जाएगा, तो ये दो बार ऐड हो जाएगा b, और ये d भी दो बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसमें आप nc को भी जोड़ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप nc को जोड़ोगे तो अगर आप na प्लस nb प्लस nc देखते हो, ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं, na प्लस nb प्लस एन सी अगर लिखते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ए एक बार ऐड होगा, है ना, बी आपका दो बार ऐड हो जाएगा, तो ये टू बी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका सी बस एक ही बार ऐड होगा, है ना, फिर डी आपका तीन बार ऐड हो जाएगा, डी डी डी, है ना, तो डी आपका थ्री डी हो जाएगा, फिर ई आपका दो बार ऐड होगा, है ना, दो बार ऐड होगा टू ई, प्लस एफ जो है वो आपका दो बार ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें से, अब हमें चाहिए क्या एंड में, एंड में तो हमें चाहिए कि सब चीज़ एक बार ऐड हो, है ना, लेकिन यहाँ पर ये दो बार ऐड हो रहा है, ये दो बार ऐड हो रहा है, ये दो बार और ये तीन बार, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है कि ये आपका ए है ये आपका बी है, है ना, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, बी प्लस डी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा आपका बी प्लस डी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या है, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया डी प्लस ई, है ना, डी प्लस ई, ठीक है। फिर अगर आप एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लेते हो, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो बी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया, तो डी प्लस एफ हो गया बी इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है, ये सारे चीज़ को। तो अगर अब आप ये लेते हो पहले तीन टर्म, है ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, और फिर उसमें से ये तीनों को सबट्रैक्ट कर देते हो, मतलब पहले इसको सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा कि टू बी माइनस बी बी बच जाएगा, है ना, और फिर ये थ्री डी में से एक डी जाएगा तो टू डी बच जाएगा, ठीक है। फिर आप ए इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट करोगे तो टू ई माइनस ई ई रह जाएगा, फिर ये टू डी था पहले, फिर वो डी बन जाएगा। फिर आप ये वाला चीज़ सबट्रैक्ट करोगे बी इंटरसेक्शन सी, तो फिर क्या हो जाएगा, टू एफ में से एफ चला जाएगा तो एफ रह जाएगा, और फिर एक ही डी बचा था तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और फिर लास्ट में आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देते हो, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो क्या है, वो डी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे चीज़ को आप लिखिए, और यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले ये एक चीज़ हो गया, है ना, कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये है, ठीक है,
और यहाँ पर हम लोगों ने सारा जो इंटरसेक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है, ठीक है। और अगर आप इसको और ये सारे चीज़ को इस फॉर्म में कंबाइन करोगे तो आपको लास्ट में ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से लिख के देखिए, अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स में लिखिए। और बेसिकली इसका पूरा सार क्या था कि अगर आपको तीन सेट्स दिए गए हैं, है ना, और उसका अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो वो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें ये फिर ब्लू पार्ट हट जाएगा, तो फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये शायद आपको पूरा क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले एन ए लिखिए क्या है ना, फिर एन बी लिखिए क्या है, फिर एन सी लिखिए क्या है, ठीक है, और ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर लिखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या है, फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ठीक है, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और लास्ट में ये इसको ऐड कर दीजिए, तो आपको फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिल जाएगा, फाइनल जो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये शायद थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको, एक बार फिर से एक बार खुद से कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में लिखिए, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।